कंप्यूटर या इंटरनेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फ्रेंड्स अपने ये वीडियोस मोबाइल पे देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस की नए नोटिफिकेशंस प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे नए वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं कब अपलोड हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये सिंबल को क्लिक करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप सीखते हैं कि अपने मोबाइल में आप किस तरह से ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने फोन में ऑफलाइन मैप चला सकते हो। फ्रेंड्स, क्या होता है, जनरली आप किसी अननोन प्लेस में चले जाते हैं, कहीं पर आप चले जाएं जहां पर एक विलेज है और वहां पर टावर नहीं मिल पाता, और फ्रेंड कहीं आपको जाना है तो आप ऑफलाइन मैप जहां पर आप देखते हैं तो वहां पर आपको जो मैप है वो नहीं चल पाता, क्योंकि जो आपका मैप है वो ऑनलाइन चलता है। गूगल मैप जो है फ्रेंड्स वो ऑनलाइन भी वर्क करता है, ऑफलाइन मैप नहीं सेव होते हैं गूगल मैप में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल मैप जो है, मेरे पास गूगल मैप है, मैं आपको गूगल मैप ओपन करके बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपना मैप ओपन करते हैं, ये हमारा गूगल मैप है, मैंने इसे ओपन किया तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरा नेट है, जीपीएस ऑन करने के लिए बोला है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मैप है वो ऑनलाइन वर्क कर रहा है। देखिए लाइव ट्रैफिक लिखा है और हमारे ऊपर जो नेट यहाँ चल रहा है LTE ही चल रहा है, इसलिए हमारा जो नेट है वो प्रॉपरली अभी जो गूगल मैप है वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना डाटा बंद कर देता हूँ सबसे पहले। देखिए मैंने अपना डाटा बंद कर दिया और आप देख सकते हैं मैंने अपना डाटा बंद कर दिया है। अब अगर मैं इसे ऑफलाइन चलाना चाहता हूँ तो ये ऑफलाइन मैप नहीं चलता। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे जूम तो कर लिया है बट ये देखिए ये लोडिंग ले रहा है, मतलब हमारा जो मैप है वो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन चल रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी प्लेस सर्च कर लेते हैं, जैसे हम भोपाल सर्च कर लेते हैं। देखिए हमने भोपाल सर्च किया, ये यहाँ पर ऑफलाइन नो रिजल्ट फाउंड ऑफलाइन एरियाज। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैप है हमारा वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम से आप इसमें ऑफलाइन सेव कर सकते हो, बट क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया का सेव कर सकते हो, आप पूरा स्टेट का ऑफलाइन एरिया नहीं सेव कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है वो पूरा जो ऑफलाइन सेव नहीं करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप टोटल मैप एक स्टेट किस तरह से ऑफलाइन सेव कर सकते हो, आप कोई भी कंट्री का ऑफलाइन मैप सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं किस तरह से होता है। आप सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लें, हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। मैं अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, हमने अपना डाटा बंद किया था, हमने अपना डाटा ऑन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टाइप करना है हेयर, सर्च में जाएं और यहाँ पर हेयर वी गो टाइप करें, वी गो। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आ गया हेयर वी गो और यहाँ क्लियरली लिखा है फ्रेंड्स ऑफलाइन मैप्स एंड GPS। तो जो ये फ्रेंड एप्लीकेशन है वो 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, 4.4 की रेटिंग है इसकी, बहुत अच्छी रेटिंग है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑफलाइन मैप की सुविधा भी बहुत अच्छी है इसकी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना डाटा बंद कर देते हैं, हम अपना डाटा बंद कर दिया है। तो देख सकते हैं हमने अपना डाटा बंद कर दिया है, यहाँ LTE जो ऑफलाइन मोड पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसीजर, मैं आपको बता देता हूँ। यूज ऑफलाइन यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है डाउनलोड मैप्स में। अब जैसे यहाँ डाउनलोड मैप्स में जाएंगे, ये आपके फोन के डिवाइस की जो भी इंटरनल स्टोरेज है वो दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने इंडिया का मैप डाउनलोड करके रखा है, पूरा इंडिया का मैप मेरे इसमें डाउनलोड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आप यहाँ पर डाउनलोड मोर पे जाएं और आप जिस कंट्री के हैं, जैसे कि आप कोई भी कंट्री का मैप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसका किस एशिया में आता है, अफ्रीका में आता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया एशिया में आता है तो एशिया हमने सिलेक्ट कर लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंडिया लिखा है मैंने ऑलरेडी से डाउनलोड करके रखा है। ये फ्रेंड्स, इसकी कुल 2.5 GB का समथिंग स्पेस लगेगा आपके फोन पे, तो आप 2.5 GB तक इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अब जनरली फ्रेंड, ये नहीं है कि आप इसे 2.5 GB ही डाउनलोड करें, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पर स्टेट का जो भी है, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड अदर स्टेट के अलग अलग MBs के जो भी है यहाँ पर मैप है। तो अगर आप चाहें पर्टिकुलर एक स्टेट का डाउनलोड करना है तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑल इंडिया का डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड्स, इसलिए वो पूरा मैप डाउनलोड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पर जाके इसे डाउनलोड कर लें, कोई बात नहीं है फ्रेंड। इसमें अगर आपका नेटवर्क फील्ड हो जाता है डाउनलोडिंग में तो ये रिज्यूम वहीं से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे डाउनलोड करें। तो मैंने अपना ये मैप डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड्स। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ,
जैसे कि मैं भोपाल सर्च करता हूँ, मेरा नेट बंद है, मैंने आपको पहले ही बताया है। मैंने भोपाल सर्च किया, ये देखिए सर्च हो गया, एक सेकंड में भी नहीं लगा है इसे सर्च होने में, ये सर्च हो चुका है और भोपाल मैंने क्लिक किया और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भोपाल सिलेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन पे वर्क करता है और आपके फोन के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कहीं पर भी, अगर आप विलेज में चले गए हैं कोई जहां पर आपको नेटवर्क नहीं मिल पाता, तो आप ये ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके कहीं पर भी कहीं कोई भी जगह सर्च कर सकते हैं बिना नेट के। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं मैप, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसे दे देता हूं और मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरह से डाउनलोड होता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इजीली टिप्स आपके फोन के लिए जो आपको हमेशा काम आएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और देखते रहें टेक की दुनिया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें।